हेलो एवरीवन, दिस साइड से अवदीप सिंह। और कल और आज बहुत सारे लोगों को एक ईमेल रिसीव हुआ डिपार्टमेंट से कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो क्या हमने आपकी 5 करोड़ की एग्रीगेट टर्नओवर किस बेसिस पे कैलकुलेट करी है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए डिपार्टमेंट ने। तो काफ़ी लोग घबरा रहे थे और मेरे काफ़ी कलीग्स ने मेरे से पूछा कि इसका रिप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये नोटिस नहीं है। सबसे पहली बात, ये सिर्फ एक ईमेल भेजा है डिपार्टमेंट ने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ईमेल भेजा है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस ईमेल का मतलब क्या है। ईमेल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक अपना डाटाबेस बनाना चाह रही है कि किस किस बंदे की टर्नओवर 2019-20 में 5 करोड़ से ऊपर थी। अब ये डाटाबेस बनाने के दो सबसे बड़े रीज़न ये है कि पहला रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो हर बंदे को इंडिविजुअली असेसमेंट करे, चेकिंग करे, क्योंकि अब असेसमेंट शुरू होने जा रही है, अब चेकिंग होने जा रही है, तो दे डोंट हैव दैट रिसोर्स की वो हर बंदे पे करे। तो एक लिमिट सेट कर दी गई है कि 5 करोड़ वालों को से ऊपर वालों को ज़्यादा ध्यान से चेक करेंगे, उन पे ज़्यादा चेकिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ एसएससीज हुज टर्नओवर इज बिलो 5 CR। तो वो एक डाटाबेस बनाना जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है, अब की बार आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आई जो रिलेट करती थी उन एसएससीज को जो 5 करोड़ से ऊपर है, लेट फीस, इंटरेस्ट पेमेंट और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो उन एसएससीज को रिलेट करती थी जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो कल को आपकी अगर आपको नोटिस भेजना है कि आपकी लेट फी लगनी है या नहीं लगनी, इंटरेस्ट लगना ही नहीं लगना, तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन होएगी जिसकी 5 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है, और उसकी अलग कैलकुलेशन होएगी जिसकी 5 करोड़ से टर्नओवर नीचे है। तो यही बेसिकली दो रीजंस की वजह से डिपार्टमेंट ने ईमेल भेजा सबको कि हमारे हिसाब से आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और अगर आपकी 5 करोड़ से नीचे है तो आप एक ग्रीवियंस रेस करके हमें बता सकते हैं। अब एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि मैंने तो फरवरी तक की रिटर्न भरी थी, मैंने तो मार्च की अभी तक रिटर्न ही नहीं भरी, तो इन्होंने किस बेसिस पे मुझे नोटिफिकेशन भेज दी। तो इन्होंने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करी है आपकी टर्नओवर। तो मान लीजिए अगर आपकी टर्नओवर 4 करोड़ 50 लाख है एंड वो 10 महीने की है, तो 4 करोड़ 50 लाख डिवाइड बाय 10 × 12, अगर 5 करोड़ एक्सीड करता है तो आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी भेज दी गई है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि उन्होंने कहा कि हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर तो है GSTR 3B में, बट काफ़ी सारी उसकी टर्नओवर रिलेट करती थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 को। तो अगर आपकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 18-19 को रिलेट करती है और आपकी 19-20 की टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो आप पे वो वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो आप ज़रूर एक ग्रीवेंस रेस करिए और इनको डिपार्टमेंट को बताइए कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। तो इसको कंक्लूड करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, एक जनरल ईमेल है, आप इस ईमेल को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो। और अगर आपकी 5 करोड़ से टर्नओवर नीचे है फिर भी आपको ये ईमेल आया है, तो आप जरूर ग्रीवियंस रेस करके डिपार्टमेंट को बताएं कि हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक जनरल मेल है, पैनिक करने की कोई बात नहीं है इसमें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कंटेंट, एंड टेक केयर।